बेटा तुम कौन हो? मुझे मेरे घर जाना है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को तुम यहाँ कर क्या रही हो? कहाँ है तुम्हारा घर? मेरा घर उधर सामने। अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत परेशान हो रहे होंगे। आओ मेरे साथ, आओ चलो आ जाओ। कभी हम जाने अनजाने कुछ ऐसे मेहमानों को अपनी जिंदगी में ले आते हैं जो हमारी बर्बादी का कारण होता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान की है जो एक दिन एक फैमिली को मिलता है। एक पारसी हैप्पी फैमिली उसको अपने घर तो ले आती है और जाती नहीं है वो अपने आप, और फिर उनके साथ ऐसा होता है जो वो सोच भी नहीं पाए थे। मैं आती हूँ। अरे टिकरी तुम इधर को क्या करते है अकेला? कौन है तुम्हारे साथ इधर? ए तो कुछ बोलता ही नहीं है, इधर को क्या करता है तुम? किधर रहता है? ओ पुअर थिंग, शायद अकेला है इधर में। आओ मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? क्या रहा है ये नाइट को?
जा। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। पापा पजामा बाथरूम जाना है। पापा सरप्राइज, मैं आपके लिए प्रेजेंट लाया, लेटेस्ट मोबाइल फोन। लवजी परेशान मत हो, पप्पा ठीक हो जाएंगे। पप्पा की बीमारी इतनी खराब हो जाएगी, कभी सोचा ना था। कितना बुरा लगता है पापा को यूं बांध कर रखना। आई नो लवजी, लेकिन खुदा है ना, वो बहुत ग्रेट है। देखना पप्पा जरूर ठीक हो जाएंगे। चलिए अब सो जाते हैं। आई बाथरूम करा देता हूं, हैं? उसके बाद कमरे में चलेंगे। ओके पापा। लेट हो गया ना। देख कर पापा, आराम। डेलनाज़ लवजी के पड़ोस में रहती थी। इसके अलावा मेरी बेटी रोजा साइरस की दोस्त थी, इसलिए हम भी दोस्त बन गए थे। साइरस के दादाजी को भूलने वाली बीमारी थी, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, इसलिए उन्हें उनके घर में रस्सी से बांध कर रखा जाता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, वो लोग बहुत ईमानदार और काइंड लोग थे, सबकी मदद करते थे। लेकिन एक दिन उनके घर में एक नन्ना मेहमान आया, एक लड़की जिसे वो रोड से उठाकर लेकर आए थे। साइरस उसको पसंद करने लगा था, उसने उसका नाम परी रख दिया था। लेकिन जैसे ही वो लड़की उनके लाइफ में, उनके घर में आई, उनके साथ सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स होने लगे।
पापा के कमरे को लॉक करना तो भूल गया मैं। यहां कैसे? चल पापा। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अरे तुमने परी को तैयार नहीं किया? पुलिस स्टेशन ले जाना था, भूल गए क्या? नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ ही रहेगी। हाँ बेटा, लेकिन अभी ना। एक मिनट, सुनो ना, क्यों ना हम इस लड़की को घर पे ही रख लें? देखो ना, साइरस भी कितना खुश है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमारी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। हो सकता है उस बेचारी के पेरेंट्स ने उसको इसलिए छोड़ दिया हो क्योंकि वो बोल नहीं सकती। हाँ डार्लिंग, लेकिन कल उसका पेरेंट्स वापस आएगा और इसे ले जाएगा, तो कितना हर्ट होगी तुम? नहीं, आई प्रॉमिस, प्लीज। ठीक है, कुछ करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, लव जी है। इंस्पेक्टर साहब, कल रात को कफ परेड में एक हमें लिटिल बेबी मिली है, हम लोग उसको घर ले आए हैं। जब तक उसके पेरेंट्स नहीं मिल जाते, क्या हम उसे घर पर ही रख लें? ठीक है सर, हम उसे शाम को पुलिस स्टेशन ले आएंगे। ओके सर, बात हो गई। अच्छा सुनो,
फैक्ट्री में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे, उसकी आज डिलीवरी है। विश मी लक। ऑल द बेस्ट। ओके बाय बाय बच्चा लोग। साहब जी पापा, फैक्ट्री जा रहा हूं, कुछ चाहिए तो दिलनाज से पूछ लेना। बाय बाय पापा। मेरे पास दो दो साइकिल्स है, बहुत सारे टॉयज है, आप मेरे साथ खेलोगे प्लीज? इधर पड़ी के पास बैठो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। हाँ की बात तो ये थी कि परी के हाथों से जो खून निकला था वो लाल नहीं बल्कि नीले रंग का था। उसी टाइम दलनास को समझ जाना चाहिए था। कुछ देर बाद साइरस और परी खेलने लगे। एक्चुअली साइरस अपने आप नहीं खेल रहा था, परी ने उसे अपने वश में कर रखा था। वो जैसा चाह रही थी वो वैसा ही कर रहा था। ईरानी फैमिली धीरे धीरे उस नए मेहमान के चंगुल में फंसती जा रही थी। हेलो, मम्मा मैं यहां से जंप मार रहा हूं। साइरस क्या कर रहा है बेटा? बेटा बेटा मैं यहां से जंप मार रहा हूं। साइरस क्या कर रहा है बेटा? कूदना नहीं, कूदना नहीं। हाँ नहीं बेटा, प्लीज बेटा। साइरस Thank you.
खेलते खेलते साइरस ने ऊपर से कुनी मार दिया, उसका जर फट गया, बहुत खून आ रहा है, उसे मैं अभी डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? कल हमारी गाड़ी खराब हो गई, आज साइरस गिर गया और सुबह सुबह फैक्ट्री की छत, कई वर्कर्स मर गए। मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हमारे फैक्ट्री का छत गिर गया, लव जी आपने बताया क्यों नहीं? मैं बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था डार्लिंग, नॉट टू वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम साइरस को लेकर डॉक्टर ईरानी के पास पहुंचो। तुमने पापा को बांध दिया है ना? हाँ, पापा को बांध दिया, लेकिन परी बेचारा, उसको मैं कुछ नहीं समझा पाई, बस उसे ऐसे ही छोड़ आई। नॉट टू वरी, मैं रोजा की मम्मी को कहता हूँ कि रोजा को थोड़ी देर के लिए परी के पास छोड़ दे, ओके? ठीक है। साइरस की फ्रेंड हूँ, मेरी मामा ने मुझे तुम्हारे साथ खेलने के लिए भेजा है।
हेलो। हाँ हाँ लव जी, मैं अभी अभी घर ही जा रही हूँ, आप भी प्लीज जल्दी घर आ जाइए। हाँ नहीं, मुझे थोड़ा लेट होगा, मैं अभी भी पुलिस स्टेशन में हूँ। तुम साइरस और परी का ध्यान रखना, ओके? और रात को खाना खा के सो जाना। लवजी का फोन आया था, इसलिए मैंने रोजा को परी के साथ खेलने भेज दिया। मुझे कब पता था कि उस घर में एक मेहमान नहीं बल्कि एक शैतान आया है। शाम को जब रोजा घर नहीं लौटी तो एक अजीब सी घबराहट हो रही थी मन में, पर वजह क्या थी समझ नहीं आया। इधर मैं अपनी रोजा के मनपसंद का खाना बना रही थी और वहां मेरी बच्ची उस शैतान के हाथों फंस चुकी थी। या खुदा, मेरी बच्ची उसने। पापा, पापा कहाँ गए? परी, परी, पापा, परी। परी, बेटा, जल्दी आ बेटा, जल्दी। Thank you.
साइरस और मम्मी का? मैंने सबको मार दिया। हाथ छोड़ परी। रोजा, रोजा। Oh my God! Cyrus! चाहिए तू कहां से आ गई तू? मैं क्यों बर्बाद करना चाहिए?
मारो। अरे बोलती क्यों नहीं? तुम सबको क्यों एक एक करके मारती जा रही है तू? बोल, कहाँ से आई है? बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल। कौन है तू? क्यों हमारे पीछे पड़ी? बता, कौन है तू? शैतान। एक कब्रिस्तान में जन्मा शैतान हूं मैं। ये जिंदा बच्चे कब्र में कैसे? मेरा काम है कि इस दुनिया में से अच्छाई का खात्मा कर दूं। एक एक अच्छे इंसान को चुन चुन कर उसके परिवार समेत मौत के घाट उतारूं। और तब जाके मेरे आका शैतान का राज होगा इस दुनिया पर। अब तुम भी अच्छे इंसान हो, अब तुम्हारी बारी है। अंदर ही उसने एक नेक हंसते खेलते परिवार को, जिस परिवार ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबकी भलाई सोची, पूरी तरह खत्म कर दिया था। आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि उन सब की डेथ हुई कैसे थी, वो कौन थी, कहां से आई और कहां चली गई। ये रहस्य आज तक बना हुआ है। आत्माएं सिर्फ शक्ति ही नहीं, छल का प्रयोग भी करती हैं। और कई बार किसी को समाप्त करने के पीछे उनके पास कोई उचित कारण भी नहीं होता, जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा। कई कारण ऐसे होते हैं कि कुछ आत्माएं किसी घर में प्रवेश नहीं कर पाती और वो कोशिश करती हैं कि कोई व्यक्ति भुलावे में उन्हें अपने घर के अंदर ले जाए। और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर ये आत्माएं अपनी प्रकृति के अनुसार अपना सही रंग दिखाती हैं। इस प्रकार की आत्माएं किसी को पजेस करके, उसके शरीर में प्रवेश करके अपनी इच्छाओं को पूरी करती है और कई बार उस व्यक्ति को पागल और यहां तक के समाप्त भी कर देती है। किसी की सहायता करने से पहले दुविधा या संदेह